निमार अंचल में देव उठनी 11 से नर्मदा लघु पंचकोशी यात्रा शुरू होगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा की यात्रा करेंगे। पंचकोशी यात्रा को लेकर बड़वाह में पुलिस प्रशासन की अहम बैठक हुई, जिसमें श्रद्धालु के लिए पानी, बिजली, ठहरने की व्यवस्था पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक 5 दिवसीय मां नर्मदा लघु पंचकोशी यात्रा देवउठनी एकादशी पर ओंकारेश्वर से शुरू होगी, जो 11 नवंबर को ही शुरू होकर खंडवा जिले से खरगोन जिले के ग्राम अंजरुंद में प्रवेश करेगी। इसके बाद बड़वाहा ब्लॉक की सनावद बड़ूद से टोकसर, सिमरल्ला, मुराला, रामगढ़ से भ्रमण करते हुए 75 किलोमीटर का सफर तय कर सिद्धवरकूट से ओंकारेश्वर पहुंचकर 5 दिनों में समाप्त होगी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण शामिल होंगे। पंचकोशी यात्रा को लेकर जनपद पंचायत सभागृह में SDM PS अगासिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया, जिसमें SDOP चरना रावत, तहसीलदार शिवराम कनासी, बड़वाहा सनावत थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर, इंद्रेश त्रिपाठी, पूर्व विधायक जगदीश मोरानिया सहित क्षेत्र के समस्त प्रशासनिक अधिकारी, नाव संचालक, जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में पंचकोशी यात्रा मार्ग के आसपास की झाड़ियों की साफ सफाई व्यवस्था, खराब मार्गों की दुरुस्तीकरण, रात्रि विश्राम स्थल पर पर्याप्त बिजली पानी, सफाई व्यवस्था, चिकित्सक सहित मेडिकल टीम व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई है। हमारे यहाँ पे 11 नवंबर के स्थानों पर कहाँ ठहरेंगे, कहाँ से ये क्रॉस करेंगे, ये सब चीज़ों पर उनकी सुरक्षा को लेकर, पहला को लेकर, उनके धर्म को लेकर जो भी आवश्यक प्रबंध होना है वो हमने आज बैठक के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। संख्या लगभग 25 की डिमांड है, तो वो हम व्यवस्था लकड़ी की नाम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी जो डिमांड आज बैठक उपस्थित नहीं हुआ है, उसको नोटिस हम जारी करेंगे, लेकिन व्यवस्थाएं हम पूरी करवा देंगे। सभी विभागों को लेकर यहाँ पे पंचकोशी की यात्रा, सभी विभागों को निर्देश दिए गए, जिसमें विशेषकर जैसे पुलिस विभाग का हम अपने जो 75 किलोमीटर की दोनों जिलों को मिलाकर लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा है, जहाँ जहाँ संभावित है वहाँ पर पुलिस बल तैनात कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तरह अब बड़वाहा से वाजिद खान की रिपोर्ट।